आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। परफेक्ट टेंस जो कि हम पढ़ रहे थे, इसके स्ट्रक्चर और रूल्स आप समझ चुके होंगे। आइए आज परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट और पास्ट की कुछ रिवीजन करते हैं और कुछ और सेंटेंसेस और इसके पैसिव वॉइस की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि परफेक्ट टेंस के रूल्स आपको याद होंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। इन प्रेजेंट परफेक्ट हैज एंड हैव का यूज किया जाता है और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज है। इसकी रीजन आपको बताई थी, चूंकि हैड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हैज एंड हैव, हैज और हैव दोनों के लिए सेकंड फॉर्म हैड यूज की जाती है, इसलिए पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का इस्तेमाल है फॉर सिंगुलर हैज एंड फॉर प्लूरल हैव। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। अगर यह लिखा जाए वी हैव रीच्ड सेफली, तो आप समझ सकते हैं हैव के यूज से दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। एंड इफ देयर इज रिटन वी हैड रीच्ड सेफली, हैड शोज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ डिफरेंस आप देखेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, हैव फॉर प्रेजेंट परफेक्ट एंड हैड फॉर पास्ट परफेक्ट। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर, और जैसा कि ये भी आपको एक्सप्लेन किया था, इन आवर रेगुलर वर्ब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज सेम इन मोस्ट ऑफ आवर वर्ब, लेकिन हम हैज और हैव के साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एनिमल्स हैव सफर्ड इन कैप्टिविटी, हैव शोज प्रेजेंट परफेक्ट। एंड इफ वी वांट टू डिस्क्राइब द सेम सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट, तो इसे लिखा जाएगा एनिमल्स हैड सफर्ड इन कैप्टिविटी, एनिमल्स ने सफर किया, तो दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट। आई होप कि इन सिंपल सेंटेंसेस की हेल्प से आप परफेक्ट टेंस के रूल्स और स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स। मिस्टर स्मिथ हैज टॉट अस अ न्यू लेसन, के मिस्टर स्मिथ हमें न्यू लेसन पढ़ा चुके हैं। हैव टॉट, टॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टीच, टीच टॉट टॉट। एंड हैज इंडिकेट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ वी वांट टू डिस्क्राइब द सेम सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट, देन वी विल राइट मिस्टर स्मिथ हैड टॉट अस अ न्यू लेसन, के मिस्टर स्मिथ हमें एक न्यू लेसन पढ़ा चुके थे। देखिए नेक्स्ट वन, आई हैव वोकन अप अर्ली दिस मॉर्निंग, के मैं सुबह जल्दी उठ गया था, जल्दी उठ चुका था। आई हैव वोकन अप, वोकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वेक, वोकन। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट। इफ इट इज डिस्क्राइब इन पास्ट परफेक्ट, देन इट विल बी रिटन आई हैड वोकन अप अर्ली दिस मॉर्निंग, के आज सुबह मैं जल्दी उठ चुका था। हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ यूज इट इंडिकेट्स पास्ट परफेक्ट। तो दिस वाज द रिवीजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट। हम परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट वन बाय वन हम पढ़ चुके हैं, तो इट इज बेटर टू रिवाइज देम टुगेदर। अब इन्हें रिवाइज करना इकट्ठे बेहतर होगा, ताकि इस टेंस को, इसका स्ट्रक्चर और रूल्स हम समझ सकें। इसका यूज पैसिव वॉइस के साथ साथ हम वी शुड अंडरस्टैंड द पैसिव वॉइस ऑफ द सेम टेंस, के जब हम, अगर सपोज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं, आप इसका रूल्स का स्ट्रक्चर और मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, एक्टिव वॉइस को तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी, यह जरूरी है कि हमें इसके पैसिव वॉइस की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वी शुड आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ दीज टेंसेस, के हम जिस टेंस को भी लर्न करते हैं, हम उसे एक्टिव वॉइस के साथ साथ पैसिव वॉइस में भी लर्न करना जरूरी है, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें, यूज कर सकें और समझ सकें कि दिस टेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज हम इसको पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस के रूल्स को देखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे और इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इट इज यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस की जरूरत हमें क्यों है, ये किस तरह से यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। आइए सेम सेंटेंस को हम देखते हैं। अगर हम ये लिखा हुआ देखते हैं, आई हैव वोकन अप अर्ली दिस मॉर्निंग, तो सुबह मैं उठ गया, जल्दी मैं उठ चुका था। है वोकन अप, अब ये एक ऐसा काम है जो मैंने खुद किया था। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मैं उठ चुका था, मैं उठ गया था। हम द सेम टेंस एंड सेम सेंटेंस मीन के इसी जुमले में सेम सेंटेंस और इसी टेंस मीन के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसी सेंटेंस को हम एक और तरह से देखते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आई हैव बीन वोकन अप अर्ली दिस मॉर्निंग, इफ इट इज रिटन आई हैव बीन वोकन अप, तो क्या चेंज है मीनिंग में आई हैव वोकन अप और आई हैव बीन। आप इन दो सेंटेंसेस का डिफरेंस और इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर है कि आई हैव वोकन अप, इट मीन इसका मतलब यह है कि मैं उठ गया, और अगर यहाँ है आई हैव बीन वोकन अप, मुझे जगाया गया, किसने जगाया, या किसी अलार्म ने जगाया, या किसी दूसरे ने, आपकी मम्मा ने जगाया, बट मीनिंग यह है कि आई हैव बीन वोकन अप, मुझे जगाया गया, नहीं जगा, बट आई हैव बीन वोकन अप, मुझे जगाया गया, मुझे जगा दिया गया। द डिफरेंस इज दिस, इसमें फर्क ये है कि बिन के साथ दिस सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। सिर्फ बिन के एडिशन से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, इसमें और कोई चेंज नहीं है, और चेंज से मुराद के हेल्पिंग वर्ब सेम है जो कि हैव यूज किया गया।
गया है और फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑल्सो सेम, फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ यूज इन एक्टिव वॉइस एंड थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। एक एडिशन है जो कि बिन की है, लेकिन ये मीनिंग को चेंज करती है और ये वॉइस को चेंज करती है, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है और हमें एक चेंज मीनिंग देता है। क्या चेंज है मीनिंग में, क्या डिफरेंस है इनमें, तो इट शुड बी क्लियर टू यू। ये जब हम टेंसेस को लर्न करें तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बिन की परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, दोनों प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसेस में, और कोई चेंज नहीं है रूल्स में, बिन की एडिशन के साथ वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। अगर आप यहां तक बात को समझ लेते हैं तो नाउ 50% हैव बीन डन। इसी तरह से देखिए, इसे पास्ट टेंस में इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, आई हैड वोकन अप अर्ली दिस मॉर्निंग, हैड वोकन अप दिस इज इन एक्टिव वॉइस पास्ट, एंड इफ इट इज रिटन आई हैड बीन वोकन अप अर्ली दिस मॉर्निंग, आज सुबह मुझे जल्दी जगा दिया गया था, हैड बीन वोकन, दिस इज द डिफरेंस। अब आप डिफरेंस देखिए, हैड वोकन अप एंड हैड बीन वोकन अप विद द एडिशन ऑफ बीन, बी डबल ई एन, ये बीन की एडिशन चेंज करती है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव। के परफेक्ट टेंस में आप कहीं हैज या हैव या पास्ट में हैड के साथ और थर्ड फॉर्म में अगर बीन की एडिशन देखते हैं तो ये कोई दूसरा टेंस नहीं, ये परफेक्ट टेंस ही है, बट ये पैसिव वॉइस में है और इसका मीनिंग चेंज है जो कि पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस वो है कि जहां सब्जेक्ट ने खुद काम किया, और पैसिव वॉइस वो है कि जहां सब्जेक्ट पर कोई काम किया गया। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए, आई हैव बीन ऑपरेटेड अपॉन अपेंडिक्स सर्जरी। अगर आप कहीं ये कहना चाहते हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, या मैं अपेंडिक्स की सर्जरी से गुजरा, आई नीड लीव, आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल कॉलेज, आई कांट परफॉर्म माय ड्यूटीज, मैं नहीं अटेंड कर सकता क्योंकि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अब आपका ऑपरेशन हुआ तो आप इसे क्या कहेंगे, अब आपने खुद नहीं किया, ये आप एक्टिव वॉइस में बयान नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि आई हैव ऑपरेटेड अपेंडिक्स सर्जरी, आपने नहीं की, आपकी की गई है, आपकी हुई है अगर जी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करेंगे आपकी हो, इट इज फॉर एग्जाम्पल आई है, तो इसको पैसिव वॉइस में ही डिस्क्राइब करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, सेंटेंसेस है कि फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, बट सम सेंटेंसेस और सम मीनिंग इट मस्ट बी इन पैसिव और इट मस्ट बी इन एक्टिव, के कुछ सेंटेंसेज या कुछ बात हम पैसिव में ही कह सकते हैं, कुछ सेंटेंसेज या जो हम कहना चाहते हैं अगर वो पैसिव में रिक्वायर्ड है तो वो पैसिव में ही डिस्क्राइब किया जाएगा, उसे एक्टिव में हम बयान नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ तो हम इसे पैसिव वॉइस में ही डिस्क्राइब करेंगे, एक्टिव में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने किया नहीं है बल्कि हमारा हुआ है, हम पर किया गया है। तो ये सेंटेंस इस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा कि आई हैव बीन ऑपरेटेड अपॉन अपेंडिक्स सर्जरी, और पास्ट परफेक्ट में इसकी इस ट्रांसलेशन ये होगी, आई हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन लास्ट वीक। हम ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव बीन गॉन थ्रू अ सर्जरी, या आई हैव बीन गॉन थ्रू अ सर्जिकल प्रोसेस, ये भी सेम मीनिंग है, पैसिव वॉइस में ये सेम मीनिंग देगा। आई होप कि आप ये हैव बीन और हैड बीन अंडरस्टैंड कर लेंगे, इट इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अब थोड़ा अगली बात को समझते हैं, देखिए, अगर कोई हमें ये कहे आई हैव ट्रेंड अ न्यू असिस्टेंट, आई हैव ट्रेंड, आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और एक्टिव वॉइस है, और मीनिंग भी इट इज वेरी सिंपल, मीनिंग आपने समझ लिया होगा कि मैंने अपना एक नया असिस्टेंट ट्रेंड कर लिया है। वी वॉन्ट टू चेंज द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब अगर सेम सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं कि हाउ वी विल राइट इट, हम इसे किस तरह से लिखेंगे, क्या हम इसे यूं लिखेंगे, आई हैव बीन, हम यहां बीन की एडिशन करें, आई हैव बीन ट्रेंड अ न्यू असिस्टेंट, इज इट करेक्ट। आप सिर्फ रूल या स्ट्रक्चर को देखें, बीन की एडिशन के साथ ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, बट This is not the correct sentence. ये सही सेंटेंस नहीं है। I have trained का मतलब है कि मैं ट्रेंड कर चुका हूं, बट अगर हम ये लिखते हैं I have been trained, it mean के मुझे ट्रेंड किया जा चुका है, मुझे ट्रेंड किया गया है, That's why it is wrong. तो ये सेंटेंस ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। सही सेंटेंस ये होगा, A new assistant has been trained by, यहाँ पे a new assistant, क्योंकि new assistant पर काम किया गया है तो new assistant को हम सब्जेक्ट की प्लेस पे लाएंगे, और इनके ऊपर काम किया गया has been trained, it mean के new assistant trained किया गया, This is the correct sentence. तो ये इस तरह से चेंज होगा, आप इस मीनिंग को और इसके मफहूम को अंडरस्टैंड कीजिए, ये देखें कि सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था आई और ऑब्जेक्ट था असिस्टेंट, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्लेस पे है असिस्टेंट, अ न्यू असिस्टेंट, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है बाय मी, यानी कि मैं। अगर आप ये दो पॉइंट समझ लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर और रूल्स को, तो आपने देख लिया कि बिन की एडिशन है, सेम हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एडिशन ऑफ बिन, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द रूल। बट व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पैसिव वॉइस, इसके मीनिंग, मफहूम और इसके यूज में क्या डिफरेंस है, तो दिस इज अ डिफरेंस। अगर आप इसे मीनिंग के साथ इस तरह से समझ लेते हैं, नाउ इट इज वेरी इजी एंड कंप्लीट 100% यू हैव लर्न, तो आप एक्टिव वॉइस के साथ साथ पैसिव वॉइस को भी 100% लर्न कर चुके हैं। ओके, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। The dishes have been washed by me. अब ये भी पैसिव वॉइस में है, the dishes have been washed by me, के dishes को वॉश किया गया, dishes को धोया। अगर इसे एक्टिव में डिस्क्राइब किया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर यू होगा कि आई हैव वॉश द डिशेज। सेकेंड सेंटेंस, द ओल्ड मैन हैड बिन रेस्क्यूड, द ओल्ड मैन हैड बिन रेस्क्यूड, के ओल्ड मैन को रेस्क्यू कर लिया गया था। ये पास्ट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में बयान किया गया है। अ न्यू बिजनेस हैड बिन सेटअप, के एक नया बिजनेस सेट कर लिया गया। अब हैड बिन शोज पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए कुछ और सेंटेंसेस। He had beaten his opponent many times, के वो कई मर्तबा अपने opponent को beat कर चुका था। He had beaten, it is active voice, past perfect का ये active voice है, इसमें been का use नहीं है। If we want to change in his passive, के आप इसे passive voice में किस तरह से change करेंगे, passive voice में change करते हुए क्या हम इसे लिखेंगे, He had been beaten, he had के साथ been की addition की जाएगी और ये passive में change किया जाएगा, तो इसका meaning क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसे beat किया गया, उसने अपोनेंट को बीट नहीं किया बल्कि ही हैड बीन बीटन, मीन के उसको बीट किया गया था। इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। करेक्ट स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, हिज अपोनेंट हैड बीन बीटन बाय हिम मेनी टाइम्स, के हिज अपोनेंट हैड बीन बीटन, के अपोनेंट को बीट किया गया है, उसे बीट नहीं किया गया। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्लेस पे ही था और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हिज अपोनेंट, के ही हैड बीटन हिज अपोनेंट, उसने किसको बीट किया था, अपने अपोनेंट को, अपने मुखालिफ को। पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए अब अपोनेंट को बीट किया जा रहा है, बीट अपोनेंट ही होगा। अब अगर हम ही हैड बीन बीटन करते हैं तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि उसको बीट किया गया था, उसे बीट नहीं किया गया, उसके अपोनेंट को बीट किया गया। नाउ हिज अपोनेंट इज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अब यहाँ सब्जेक्ट की प्लेस पे हिज अपोनेंट को लिखा जाएगा। हिज अपोनेंट हैड बीन बीटन बाय हिम मेनी टाइम्स, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। मीनिंग और मफहूम सेम रहेगा बट उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज किया जाएगा। द लॉक हैड बिन ब्रोकन बाय थीफ, द लॉक हैड बिन ब्रोकन, अब नाउ हैड बिन से हम आइडिया लेते हैं, दिस इज पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, दिस इज लॉक को तोड़ा जा चुका था बाय थीफ। नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यू टेरिटरी हैड बिन कंकर्ड बाय द आर्मी, के नए इलाके फतह किए जा चुके थे। हैड बिन कंकर्ड, ये पैसिव वॉइस में ही लिखा गया है कि हैड बिन कंकर्ड बाय द आर्मी, और अगर हम इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में इसे इस तरह से कहेंगे, द आर्मी हैड कंकर्ड द न्यू टेरिटरी, आर्मी नए एरियाज को फतह कर चुकी थी। दिस वॉज द रिवीजन ऑफ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट, एंड लेसन ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट। I hope you like this video. See you in the next video.